अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? यार पहले ये टेम्परेचर चेक कर लें, 46 डिग्री टेम्परेचर है और फील लाइक तकरीबन 47-48 है। तो आज तो मैं बिल्कुल ही बाहर नहीं निकला क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, पंखे के नीचे बैठ के पसीना आता है। तो मैंने ये सोचा कि पिछले दिनों आपको ये दिखाया था कि मैंने हैंड फ्रीज बाय किए हैं, मंगवाई हैं, तो मैं यही सोचा कि भाई इनको अनबॉक्स भी करते हैं और इनका रिव्यू भी करते हैं, क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते से अपने दोस्त की यही सेम यूज़ कर रहा था। तो पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये हमारे पास इसका बॉक्स है, चलिए इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास एंट्रीज आ गई, ये इसका मैनुअल है और ये इसके एक्स्ट्रा क्या कह रहे बॉक्स कह रहे हैं, ये एंट्री है और ये इसका चार्जिंग लीड है इसकी। ये तो अनबॉक्सिंग हो गई भाई। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं दोस्त के पिछले 2 हफ्ते से ये यूज़ कर रहा था, मैंने उसे मांगे थे कि भाई मैं असल में गेम खेलता हूँ पबजी, तो उसके लिए मुझे चाहिए थे वायरलेस, तो उससे टेस्ट करने के लिए लिए थे कि साउंड क्वालिटी भी अच्छी है और जब गेम खेलते हैं तो माइक ऑन होता है तो उसमें साउंड की जो आवाज़ है वो कम नहीं होती। अभी इसको चेक करते हैं कि भाई ये कैसे साउंड दे रहा है। इसको ऑन कर लेते हैं, कनेक्ट हो गया। चार्जिंग इसकी भी आधी ठहरी है, और अगर मैं खुद अपने एक्सपीरियंस इसके चार्जिंग का बताऊं तो इसकी चार्जिंग बड़ी ज़बरदस्त है। ये तो जो कंपनी है वो 6 घंटे जो है वो प्ले टाइम कहती है और 120 आवर्स जो है वो स्टैंड बाय टाइम कहती है, लेकिन 6 घंटे से ज़्यादा है इसका बैकअप, क्योंकि मैंने खुद चला के देखा है 6 घंटे से काफ़ी ज़्यादा है इसका। अच्छा मैं इनकी प्राइस आपको बताता चलूँ, इसकी जो प्राइस है वो दराज पे आपको 1500-1400 की मिलती है, और ये मुझे फिर उसमें डिलीवरी चार्जेस अलग से होंगे। ये मुझे 1000 की पड़ी है और इस पर डिलीवरी चार्जेस 150 रुपीज़ कह लें, 150 रुपीज़ लगे हैं, तो मतलब 1150 रुपीज़ ये मुझे पड़ गई है। और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ये आपको पहनने पे नेक पे कोई ऐसा फील नहीं देते, कोई इचिंग फील नहीं होती, मतलब इस प्राइस रेंज में आपको साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी मेरे ख्याल में बहुत कम मिलती है, लेकिन इसकी बड़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है। और बाकी ब्लॉग आज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, मैं सुबह से ही घर में बैठा हूँ और घर में कुछ करने का होता ही नहीं है, क्या करूँगा। तो बस मैंने कहा चलो छोटा सा वीडियो रिव्यू और अनबॉक्सिंग का ही बना लें ताकि स्ट्रीक ना टूटे। तो इंशाल्लाह फिर जैसे बाहर निकलूंगा तो कुछ होगा शुगल वुगल तो वो फिर ब्लॉग करूँगा, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।